हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। स्ले पॉइंट का यार वीडियो आया है। वीडियो में हमें गोइंग टू एवरी बॉलीवुड स्टार्स हाउस इन मुंबई। अरे लोग मुंबई में हैं? मुंबई में ही रहते हैं ना? ओके, मेरे को लगा स्ले पॉइंट का वीडियो है। सीरियसली मत सोचो कि गए रहे ना, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। देखते चलिए। मुंबई मतलब बॉलीवुड, फिल्म, सीरियल्स, सबका यही अड्डा। तो लोगों को लगता है यहाँ मच्छरों की तरह हर तरफ सेलिब्रिटीज ही हैं। आई एम इन मुंबई, हाउ कैन आई मीट सम सेलिब्रिटी? इज इट इजी टू मीट सम सेलिब्रिटीज इन मुंबई? यहाँ हमें एक ट्रेन तक में जगह नहीं मिलती। बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह। तुम स्टार्स मिलने की बात कर रहे हो? किसी ने मुंबई को ही दे दिया 1 स्टार। अमिताभ बच्चन डिडंट कॉल मी इनसाइड हिज हाउस, बैड एक्सपीरियंस। उनके मौसी के लड़के हो जो घर बुला के जया बच्चन पकौड़े परोसेगी। नेशनल पार्क में कैसे बता दे कि यहाँ हाथी दिखेगा, यहाँ आपको चीता दिखेगा? वैसे ही मुंबई के लिए लोग एक्टर्स का सोच के आ जाते हैं कि सलमान कहीं टपरी पे वड़ा पाव खाते दिख जाएं। शौचालय में जाए तो एक तरफ नील मूत्रा होगा और दूसरी तरफ नितिन मुकेश। पर अगर हम ट्राई करें तो क्या हमें दिख सकते हैं मुंबई में सेलिब्रिटीज? अंकल यहाँ सेलिब्रिटी किधर मिलेगा? सेलिब्रिटी? हाँ, 2 किलो चाहिए था मेरे को, यहाँ पे मिलता है क्या? भाजी वाले की बात पूछो। ठीक है अंकल, यहाँ सेलिब्रिटी किधर मिलेगा आपको पता है क्या? नहीं। हर झोपड़ी हर खिड़की में झांकने के बाद अंकल चेंज कर रहे हैं यार, कोई नहीं मिला। तो हमने भी वही किया जो हर टूरिस्ट मुंबई आके करता है, पहुंच गए सेलिब्रिटीज के घर के बाहर। वहाँ पे वो चाय पीते होंगे ना, देख लगा है सीट शेयर हुए। बारिश में भी इतने लोग खड़े यार यहाँ पे, सब लोग यहाँ से घूरते रहते कि शाहरुख पजामा बदलते हुए दिख जाए शायद। यहाँ इतने लोग रहते हैं, वो कभी बनियान में ना भी खुजाते हुए बालकनी में नहीं बैठ सकते यार, उनको तो कच्चे भी दूसरे साइड सुखाने पड़ते होंगे। आर्यन खान कभी किसी लड़की को नहीं बुला सकता कि आ जाओ घर खाली है, इतने 100 फैंस के सामने क्या ही सीक्रेट? घर खाली है पर गेट तो भरा हुआ है। मैं इनका पड़ोसी होता ना तो हर दिन गौरी भाभी आपका सिलेंडर ले जाऊँ क्या, खत्म हो गया है। चीनी चाहिए थी एक कटोरी। Stand and stand the chance to meet Shahrukh Khan. ये शाहरुख तो नहीं है, कौन है? इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर स्विचेस फैंस एंड लाइट्स। शाहरुख आएंगे क्या घर पे पंखा लगाने? नहीं नहीं नहीं, पागल है। मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों की माँ तुम। हाँ 7 दिन तक मतलब यहाँ पे सोगे किधर? हाँ सोने का मतलब क्या है, रात भी इसको देखेंगे इधर। इससे अच्छा सलमान के घर के सामने सो जाओ, वहाँ खाली है। खाली मतलब सोने के लिए समझ नहीं है मतलब। हाँ वैसे सलमान भाई के घर के सामने सोना सेफ भी नहीं है। ये अंकल रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद करके। आपका वीडियो का रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। अच्छा आपका चेहरा नहीं दिखाना? क्यों, आप इतना अच्छे तो दिखते हैं क्या ब्रो? मन्नत से सुंदर आप है, आप क्या बोल रहे हैं? आपकी और हमारी दोस्ती 30 फरवरी तक, क्योंकि न कभी 30 फरवरी आएगा और न हमारी और आपकी दोस्ती कभी खत्म होगी। क्या है ना, हम लोग बचपन से शाहरुख को देखते आते हैं, हम लोग भी कर सकते, पर हम लोग क्या किया, उसके लड़की के पीछे उसके लड़के के पीछे रह गए। ये मेरी बीवी एक तो परेशान कर रही है। बोलो शाहरुख खान के घर पे वो टाइम नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं, इतना अच्छे इंसान है आप लोग। भरपूर बकलोली कर ली पर शाहरुख यहाँ आए नहीं। बंगलो नहीं फ्लैट में रहते हैं, कितने हम्बल है यार। ए फुटपाथ चढ़ जा। सलमान भाई के घर के नीचे डायरेक्टली प्रोटीन के डब्बे मिलते हैं भाई, वहीं से तो आ रही है बॉडी, यहीं से खरीदते हैं। उनका घर डीमार्ट के ऊपर है। डीमार्ट के ऊपर बिग बॉस होस्ट करने के बाद जब सरदर्द होता है ना तो उसकी दवाई भी यहीं से लेते हैं, और राजश्री इलायची भी। अरे भाई कैमरा देख कितने लगे हैं। भाई साहब हमसे ज्यादा व्लॉग तो वहाँ बन रहा है, उनसे ही फुटेज मांगे क्या इस व्लॉग का? बाकी सब चलेगा, बस इधर थूकना मना है। इसीलिए तो अजय देवगन सर यहाँ कभी स्पॉट नहीं होते। यहाँ बैल्कनी से उन्हें छतरी के नीचे बैठे हुए कपल्स का व्यू मिलता है तो इसलिए बैल्कनी ढक दी। सोचते होंगे कॉलेज के बच्चों की भी बंदी है पर मेरी नहीं। सुना है विकी कटरीना के शादी के दिन यही से बेवफा निकली है तू चन्ना मेरे, ऐसे गाने लाउड में बज रहे हैं। इतना पास है ना घर के, मूवी का रिव्यू डायरेक्ट बता सकते हो। भाई मजा नहीं आया, रिफंड करा दो भाई। चिल्लाना जोर से, रिफंड रिफंड। एक उड़ता हुआ घुसंड आ रहा है अंदर से, चुप शेरा आ रहा है मार रहे तुझे भाग। कसम खुदा की तेरे कुत्ता ने बना दिया ना भाई। गेट खुला भाई, एक बार के लिए सोहेल खान अरबाज खान भी दिख जाए मान लूंगा मैं। आ जाओ कम ऑन। यस यस सलमान भाई, ये तो सलमा आंटी निकली।
तो यहाँ रहते हैं टाइगर श्रॉफ, पर क्या फायदा इतने अच्छे घर का जब श्रद्धा के सामने तो पाद ही दिया था। और ये है अक्षय कुमार सर का घर, बीच के एकदम सामने। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो उन्होंने बोला ही नहीं कि वो यहाँ आके हमें मिलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ आके मिलेंगे। ये भी तो नहीं बोला है कभी कि उनके बेटे से वो मेरी थोड़ी कुछ फ्रेंडशिप कराएंगे। मैं इसको घर बसाने की बातें करने बोलते हैं। अक्षय सर सुबह घर से 4 बजे काम करने निकल जाते हैं, क्योंकि 6 बजे सुबह तो यहाँ पे पूरी पब्लिक आ जाती है फ्री में हगने, लोटा लेके वो भी। भाई अगर किसी को चाहिए कि कोई स्टार आपको हगते हुए देखे तो यहाँ आके हगो भाई। तो जैसे हगते हगते वो आ गए बालकनी में। सर सर धो तो ले अपनी। सर आपके घर में धो क्या? अक्षय कुमार का घर है ना। कभी अक्षय जी ने खाया है क्या ये सब आपके पास? कितनी बार खाया, एक बार नहीं। क्या बात कर रहे हैं, ऋतिक ने भी खाया? जिन हाथों ने अक्षय कुमार और ऋतिक को खिलाया वही हाथ आज हमें खिलाएंगे। वो हमें बोल के गए कि भाई अक्षय कुमार ऋतिक तो 500 दे के जाते हैं मुझे, इसका 500। अबे हम नहीं है अक्षय कुमार, हमने 30 रुपए दिए। स्टंट की रस्सियां दिख गई पर अक्षय कुमार नहीं दिखे। गाड़ी क्यों है यहाँ पे? इतना भयानक एक्सीडेंट। ओ रोहित शेट्टी का घर, इसीलिए गाड़ी उल्टी पड़ी है। बाकी लोगों का घर होता है बंगलो होता है, इनका पूरा टावर है। एक दिन फर्स्ट फ्लोर में सोएंगे, दूसरे दिन सेकंड फ्लोर। सारे कमरे खत्म करते करते साल ही बीत जाता है, फिर नया साल शुरू होता है, फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऐसे घरों में आपके मोजे खो जाए तो कभी मिलेंगे ही नहीं। रामायण यहाँ मम्मी आवाज नहीं देती, ईमेल लिखती है कि आ जाओ खाना लग गया। कौन से फ्लोर के कौन से साइड के कौन से कमरे में आना है उसकी पूरी लोकेशन की पिन भी भेजनी पड़ती हो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इतने बड़े घर को साफ रखने से लगता है। और अनिल कपूर जी का घर, तुझे क्या लगता है क्या ज्यादा घना है, उनके बालकनी के पौधे या उनके छाती के बाल? आएगा क्या चल। अजय देवगन सर का घर है इसीलिए। इतना ही बड़ा उन्हें गेट चाहिए घर से ऐसे जो निकलते होंगे। क्या देखने को क्या नहीं, घर देखते जाएगा। हाँ वो तो दिखते नहीं, स्टार नहीं दिखते। स्टार नहीं भी मिलते। क्या करके ये अंकल बोले प्राइवेसी जाए तेल लेने, मैं तो झाकूंगा। दिखी गया आपको रानी मुखर्जी? इस ऑटो वाले का कॉन्फिडेंस देखो। अजय देवगन और आदित्य चोपड़ा के घर के बीच में इसने अपने पार्किंग स्पॉट लगा के चला गया भाई, चला गया। अरे चाबी भी उन्हीं के घर देके जाता हूँ। ये लो काजोल भाभी, चाबी कल सुबह दे दे। जब आप स्टार हो तो आपको पेड़ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ता है। और ये सीसीटीवी कैमरा पता है किस चीज को प्रोटेक्शन दे रहा है? इस ऑटो को समझदार आदमी ने भाग खड़ी की है कि अगर चोरी होगी तो सिंघम से फुटेज मांग लो। वाह यार, सेलिब्रिटीज अपने घर पे तो मिले नहीं, मतलब सब काम पे गए होंगे। तो हम चले आए फिल्म सिटी जहाँ सारे मूवीज की शूटिंग होती है। 10 times बिफोर एंटरिंग हम आधी बारी सोच के घुस गए अंदर। इसके अंदर मलयाली सिस्टम बैठ रहा है। ए डियर्स, सलमान भाई पास ही होंगे। बागबान के घर पे आए हम, बागबान के मेन घर पे। जो पिक्चर में ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। अंदर जाते तो एक्चुअली शुरू होते ही खत्म हो गया। इसलिए तो सलमान भाई को भागना था यहाँ से, इतने में कौन रहेगा, वो भी जॉइंट फैमिली। उसके दिल में तेरे लिए इतनी ही जगह थी। रह लूंगा इतने में। अक्षय कुमार ने यही किया था, समझदारी फूफू या विमल। हीरोगिरी ये पीने में नहीं, यहीं पे साइकिल लगाई थी। और आज यहाँ पे सिर्फ कीचड़ है, तो यहाँ क्यों नहीं, आज क्यों नहीं चला रहे साइकिल जब हम आए यार। हर मूवी में हर टीवी सीरियल में यही मंदिर दिखाता है। आज शूटे या सेलिब्रिटी को छोड़ो, मंदिर में भगवान भी नहीं है। यहीं पे सारी सीरियल्स की बहू प्रार्थना करती है और उन पे सुपर पावर आ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो सब यही होता है। पर आज ना कोई एक्टर है ना कुछ है, मुंबई में सेलिब्रिटी मिलते हैं जब फिल्म लोकेशन में सेलिब्रिटी नहीं मिलती। कोई नहीं मिल रहा यार, मुंबई में ऑटो तक नहीं मिलती, तुम लोग स्टार की बात कर रहे हो। अफवाह सब बेकार। बारिश में रो रहा हूँ ताकि मेरे आंसू छुप जाए। मिल गया शायद, वो देख। सलमान सर, ये कौन सा रीमेक है? तूने मीशो से मंगाया ये? तेरे नाम वाला सलमान
5G लॉन्च हो गया, ये लैंडलाइन आया है। कमाल करते हैं, तो स्वागत नहीं करोगे अब हमारा? हम बिग बॉस थोड़ी है। आप जेबल के घर के नीचे, जेबल आपके घर के नीचे, टू मच फन। अबे इतनी एक्टिंग तो ओरिजिनल ने भी नहीं की। ये मैं आ जाऊंगा अपनी पे। अगर आप असली हो तो कटरीना के साथ चैट दिखाओ। तो ऐसा है अभी कि उसने अभी मुझे ब्लॉक करके रखा है यार, मैं कैसे तुम्हें चैट दिखाऊं? रिलेट करता होगा ना तुम। सो दर्द है भाई, ये क्या कर रहे हैं? सो राहत थी सब इन्हीं को मान ले क्या? सपने अदिदास के, बजट अभी बास का। कोई तो सेलिब्रिटी मिलवा दो। अमिताभ जी एक घंटे में अपने घर के बाहर आने वाले हैं अपने फैन से मिलने के लिए। आज? जी आज मिल सकते हैं। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। यस सच्ची, हमको आज मिलेंगे? अरे बिल्कुल, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जाएंगे कैसे? मैं हूँ ना, मेरी गाड़ी है ना, चलोगे मेरी गाड़ी पे? नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। हाँ। ना पैदल फुटपाथ पे नहीं, ऑटो ले लेंगे। हाँ, ऑटो ले लेंगे। बाय बाय। अरे अरे शेरा सुनो, गाड़ी निकालो। इतनी भीड़, लगता है सस्ते सलमान ने ये खबर और भी लोगों को दे दी भाई। दोनों रोड्स के बीच जो डिवाइडर होता है ना, हम वहाँ खड़े हैं भाई। ए! ए, आठ सामने से। अब इस सब के बाद वो आए नहीं तो उन्होंने वो विंडो से देखा होगा कि यार आज बहुत लोग आए, आज मना नहीं कर सकते। आज आज स्लीप पॉइंट वाला है तो आज नहीं आते। तो कोई फिक्स टाइम है क्या? 5:30 ऐसा करके उसको काट दिया, मतलब 5:30। एक घंटा और रुकना था तो फैंस के लिए पानी। अरे बजाओ बजाओ, हमारा सुनते यार, वो आएंगे तभी आएंगे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे। बात नहीं सुन रहा। भैया उधर, इधर देखना भैया। किधर देख रहे हो भैया आप? क्या हो रहा है इसको, क्या बोल रही? अमिताभ जी के सामने कोई बोल सकता है क्या? अमिताभ जी इससे डर के नहीं आएंगे अब। अरे यार सब ऐसा करो, सब आदमी चलो ठेल के घुस जाते हैं। वो मामले आदमी थोड़ी है, इसलिए तो इतना भीड़ लगा जी। गेट से वॉचमैन भी निकलता लगता, अमिताभ भी निकल रहा। नहीं देखोगे यार, उसके जैसा बनो बोल रहे हैं। अच्छा, और फाइनली गेट खुले और बाहर आए अमिताभ जी। अबे कहाँ जा रही है ये, इनके घर में घुस जाएगी क्या? ओ ओ भाई, मैं फंस गया, मैं फंस गया। किस ग्रुप में घुस गई यार? इसका बढ़िया है, ये उनके साथ ही सेटल हो गई। अबे उनके ग्रुप में घुस गई भाई, मैं रह गया अकेला। जलसा का पानी, पानी के लिए लाइन लगी है, फ्री पानी। अमिताभ जी का पानी कैसा है पानी भैया? बढ़िया है। इतना बड़ा मटका है भाई, इनको दो ग्लास भी है, हमारा नंबर नहीं है। So that's it for today guys, अमिताभ जी तो मिल गए पर उनका पानी ना मिल पाया। तो हम आपके सब्सक्रिप्शन से ही अपनी प्यास बुझा लेंगे, तो सब्सक्राइब करो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सलमान भाई है तो मैं भी उनके लिए राखी ले आया। एक्चुअली ये सब बोलते थे लोग, आते ना घूमते रहते इसका घर उसका, कोई दिख जाए, कोई दिख जाए। मुझे अभी भी पता है कि मेरे कजिन आए थे गुजरात से, तो कब पहली बार मुंबई आए थे तो हम लोग बैंड्रा गए थे, तभी अच्छा ये इसका घर उसका घर उधर है ना, 10-15 मिनट हर एक के घर के नीचे जगह से देख लेते, कोई आएगा, कोई दिखेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा। बट नहीं, वो एक्साइटमेंट होती है हर मुंबई वाले को भी, वो एक्साइटमेंट जो मुंबई में खत्म हो गए थे, क्योंकि हम बोलते ना वो बैंड स्टैंड एरिया जो एरिया में घूमते थे ना, जो पब्लिक वाला चल ठीक है दिखा तो दिखा नहीं, ऐसा
ऐसा वेट नहीं करता कोई एक्चुअली सही कहा मतलब अभी अभी ऐसा हो गया है मुंबई वाले में एटलीस्ट मुंबई वाले को ऐसा हो गया है तो कभी कभी सुबह सुबह जाओ तो कभी कभी सुन लो भाई साइकिल बहुत रेयर ही होता है बहुत रेयर रहेंगे साइकिल चलने के लिए बाहर निकलते तब दिख जाते हैं सुबह 4-5 बजे निकल जाते कभी कभी 5-6-7 बजे निकले हुए देखा है लेकिन डिपेंड घर पे रहेंगे तो शुरू उठने रहती है तो काफी बट अच्छा बना है हर सबके जाते चले चलो भाई मिले बोला था ना मैंने सलमान है पानी नहीं मेरे पास मैं ब्रेसलेट देख के पहचान लिया अरे मैं बोली जी की बात कर रही थी एक घंटे में अमिताभ जी मिलेगा और मिलेंगे आखिर क्या हो जाए चलो अच्छी बात अमिताभ जी ने इनको है बोला आए साला 10 करोड़ जीत रहे हो बात कर दो ठीक है हम और वीडियोस देखेंगे गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन